मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 17 साल बाद दोबारा मैं इसी हॉल में आप लोगों से मुखातिब हूँ कि मैं तकरीबन 2004 में यहाँ पे पहले एसीओ और फिर डीएमओ के तौर पे अपनी फ़रायद अंजाम दे चुका हूँ। थोड़ा सा आपके साथ मीटिंग का प्रोग्राम तो लंबा था, लेकिन कुछ हमारा जो स्पीकर साहब के साथ विजिट था वो थोड़ा उसने टाइम ज़्यादा ले लिया, उस वजह से आज की हमारी मीटिंग थोड़ी मुख्तसर रखेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये हुकूमत का चेहरा होता है। अगर लोकल गवर्नमेंट अपने फंक्शन सही तरीके से अंजाम दे रही है, यानी कि शहर हमारे साफ हैं, शहरों को पीने का साफ पानी मिल रहा है, शहर की गलियां बाजार तरीके कार के मुताबिक चल रहे हैं, मंडियाँ प्रॉपर तरीके से रन हो रही हैं, बस अड्डे सही तरीके से चल रहे हैं, और आपके जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वो जो आप जितने भी डीएमए के पास हैं, अगर ये प्रॉपरली फंक्शन शुरू कर दे तो हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ एक सबको अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा नहीं था, प्रोग्राम सिर्फ सेक्रेटरी साहब का था, तो छुट्टी थी, मैंने कहा कि मैं भी आ जाता हूँ, दोनों बातें हम भी कर लेंगे और इस मौके का फायदा उठाते हुए। मीटिंग हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करनी थी, लेकिन टाइम स्पीकर साहब के साथ और हमारा हैदराबाद के लिए सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें हैदराबाद के लिए तकरीबन 15 अरब रुपए के मंसूबे रखे गए हैं, उस सिलसिले में डिफरेंट साइट्स का विजिट हमने किया। इंशाल्लाह बाद में बाकी शहर भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें सेकंड फेज में आएंगे। इंशाल्लाह शुरुआत डिविजनल हेडक्वार्टर से हम कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। मैं मुख्तसर आपको जो दो तीन चीज़ें सेक्रेटरी साहब ने बेसिक आपको बता दी है कि रोज़ाना पेशावर में मैं सेक्रेटरी साहब सारे जुडिशरी है दिन रात काम कर रही होती है उधर, और हम आपको कुछ वहाँ से कुछ हदायात आती हैं, कुछ डायरेक्शन आती है, उन चीज़ों पे अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। महसूस ना करिएगा, जो महीना डेढ़ पहले कुछ चीज़ें हमने वहाँ से भेजी थी, मुझे उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, या तो आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, मामला को सीरियस नहीं ले रहे। मैं थोड़ी सी आपको जो असल तस्वीर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेशावर में डिपार्टमेंट्स के हालात तब्दील हुए हुए हैं, ये पिछली गवर्नमेंट्स नहीं है, डिपार्टमेंट्स ने अपने काम को स्टैंडर्ड बहुत हाई ले लिए। हमारे पीएमएस हम जरा पीछे लैग कर रहे हैं, हमें उनके साथ पहुंचना है, उसकी वजह अगर हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो सिर्फ नाम ही पीएमए रह जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। हमारी सब्जी मंडी है वो महकमा जरात मांग रहा है, कल हमारा काम ठीक भी होगा अड्डे महकमा ट्रांसपोर्ट कहेगा जी ये तो हमारा काम है ये हम कर लेते हैं, कैटल मार्केट महकमा लाइफ स्टॉक कहेगा जी हम तो इनसे बेहतर कर सकते हैं, आपने इनको क्यों दी हुई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मतलब हम अगर काम में चुस्ती नहीं लाएंगे और ऑर्डर को ऑर्डर नहीं समझेंगे, डायरेक्शन को डायरेक्शन ऊपर से नहीं समझेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे, आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं।